आदाब सत श्री अकाल चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हरदपिंदर कौर ते हाजिर हाँ लैके देश विदेश के प्रवासियों जुड़िया कुछ खास खबर। सब तो पहला नज़र मार लें अहम सुर्खियों से। कैनेडा पढ़न गए मुंडे कुड़ियों लुट रहे ने लोग, छोटी जी बेसमेंट का किराया $2800। सरदार ने तिखे सवालों करवा दी मकान मालक की बोलती बंद, वीडियो वायरल। ऑस्ट्रेलिया च मैंबर पार्लीमेंट की पहली चोण लड़न वाला पहला पंजाबी सिख बनिया जुगनदीप सिंह, पंजाबी भाईचारे च खुशी की लहर। इटली तो पंजाबियों लई खुशखबरी, इंडियन पंजाबी सलाहकार दफ्तर का होया आगाज। ब्रिटेन के नैशनैलिटी एंड बॉर्डर बिल का विवाद जारी, भारत सने दूजे मुल्कों तो आके वसे लोगों च नागरिकता खोण का डर। हुण खबरां विस्तार दे नाल, शुरुआत विच गल करांगे विदेश च वसे होए विद्यार्थियों नाल जुड़ी हुई खबर नाल। पंजाब दे बहुत सारे लोगों वालों जिथे विदेशों का रुख किया जाता है तो उत्थे ही कैनेडा की धरती से बहुत गिणती विच बहुत सारे पंजाबी परिवार वसे हुए ने। अज दी नौजवान पीढ़ी वालों बहुत सारे लोगों ने कैनेडा जाण नूं वधेरे पहल दित्ती है अते कैनेडा बहुत सारे लोगों का मनपसंद देश बनता जा रहा है। जिथे पंजाब दे बहुत सारे मापे बच्चों के भविख में सवारन लिए उन्होंने हर हेले कैनेडा पढ़ने लिए भेजने वास्ते उत्सुक रहिंदे ने तो उत्थे यह गल समझनी भी जरूरी है कि कई विद्यार्थी कैनेडा विच आ के वड्डे संकटों तो गुजरते हैं। इन विचों कुछ संकट है विदेश की धरती से अपने सिर पर छत लभना। महंगाई वधना एक आम जा कारण है पर विद्यार्थियों की मजबूरी का फायदा चक के कई लोग उन्होंने लुट रहे हैं। अजिही एक घटना की वीडियो सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही है। विद्यार्थियों नाल हो रहे धक्के देख के एक सिख ने उन्होंने हक लिए आवाज़ चुकी और अपने जायज सवालों नाल मकान मालक की बोलती बंद करवा दी। कर रहे बच्चों का समझ रहे $2700 बेसमेंट है $2800 की पहले दसो ये लीगल बेसमेंट तो छोटी जी बेसमेंट ना के बेडरूम हैगी विंडो ना कुछ ना कुछ तो तुम $2800 मार रहे हो बच्चों को। हम बाहर आए जो ना थोड़ा जहां तरस खाओ लोगों के इन्होंने बच्चों के भज गए होने गलत कर इना इना नेर खाता नहीं होया भी $2800 एक बेसमेंट का तुम मंग रहे हो जिन्हू ना बेडरूम को विंडो वा तो ना वाशरूम को विंडो वा। $2800 ना कोई विंडो ना बेडरूम नु कोई एक विंडो छोटी जी ते ना कहे वाशरूम नु कोई विंडो ना कोई फैन एडवर्ड आइलैंड सूबे कुछ दिन पहला गुरु घर बन गया तो उत्थे हुण नोवा स्कोशिया सूबे पैंदे शहर हैलीफैक्स भी वध रही सिख आबादी देखते हुए गुरु साहब बनाया गया। कैनेडा के नोवा स्कोशिया सूबे पैंदे शहर हैलीफैक्स नवा गुरु घर बन गया जिसका उद्घाटन मई के आखिर च होगा। हालांकि इतने पहला भी गुरुद्वारा स्थित सी पर उसकी इमारत वधदी आबादी के हिसाब नाल घट पैंदी सी जिस तों बाद नवी इमारत तैयार की गई है। हैलीफैक्स बनिया नवा गुरुद्वारा साहब पर्सलस कोव रोड से स्थित है। मैरीटाइम सिख सोसायटी की प्रधान सिमरदीप कौर हुंदल ने दसिया कि गुरुद्वारा साहब की नवी इमारत का काम मुकम्मल हो चुका है। हुण यह गुरु घर के दरवाजे जल्द ही संगत लई खोलण लई तैयार की जा रही है। मई महीने के आखिर विच इस नवे गुरुद्वारा साहब का उद्घाटन समागम होगा जिस विच कैनेडा भर तो संगत शमूलियत करेगी। हालांकि हैलीफैक्स के पर्सलस कोविड रोड से 1978 तो गुरुद्वारा साहब बनिया होया है पर इसकी इमारत वध रही सिख संगत के हिसाब नाल घट पै रही सी। नवे गुरु घर विच इक्को समय 1000 दे लगभग संगत नतमस्तक हो सकती है जबकि पहला वध तो वध 200 तो 300 लोग ही शामिल हो सकते हैं। पहला वाली इमारत 3600 स्क्वायर फुट विच बनी हुई सी जबकि नवी इमारत इस तों तिगणी थां ते बनाई गई है। सिमरदीप कौर हुंदर ने दस्सिया कि पिछले 2 सालां दौरान इत्थे सिखां दी आबादी विच तेजी नाल वाधा होया है। दस दिए कि इस तो पहला कैनेडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड सूबे च पहला गुरु घर बनाया गया। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड च आबादी तेजी नाल वध रही है जिस विच सैकड़े सिख भी शामिल हैं। वड्डी गिनती विच सिख होने के बावजूद इत्थे गुरुद्वारा साहब नहीं सी पर हुण प्रिंस एडवर्ड आइलैंड सिख एसोसीएशन वालों संगत के सहयोग नाल स्टैनफोर्ड शहर के एलिजाबैथ क्रीमेंट विखे गुरुद्वारा साहब की इमारत बनाई गई है।
विदेश की धरती से वसदे पंजाबियों ने जिथे अपनी मेहनत और हिम्मत सदका अपने वधिया कारोबार स्थापित करके अपना नाम विदेशी धरती से रोशन किया है तो उत्थे ही उन्होंने देश की सरगर्म राजनीति भी हिस्सा लैके जित के झंडे गड्ढे ने। कैनेडा जिहे विकसित देश की सियासत में बुलंदियां छूंदे पंजाबियों की लहां ते चलते हुए ऑस्ट्रेलिया विच वसदे पंजाबियों द्वारा भी सरगर्म राजनीति विच पहलकदमी शुरू कर दी गई है। सख्त मेहनत और आत्म विश्वास कारण ऑस्ट्रेलिया की सत्ता धिर वल्लों पंजाबी सिख नौजवान जुगनदीप सिंह नूं अपनी पार्टी विच शामिल करके अगे वधण दा मौका दिता जा रहा। इटली विच वसे भारतीयों ने खासकर पंजाबियों नूं इटैलीयन भाषा विच कानून नाल संबंधित कागजी कार्रवाई विच दिक्कत आउंदियां हन पर हुण उहनां दी इह परेशानियां भी दूर हो जाणगियां। लातेना जिले दे प्रसिद्ध शहर अपरीलिया विखे इंडियन पंजाबी सलाहकार दफ्तर खुल गया जिस नाल भारतीय भाईचारे नूं इटैलीयन भाषा विच आउंदी मुश्किल दूर हो जाएगी। पंजाब तो सुनहरे भविख लई विदेशों की धरती से आ के पंजाबी भाईचारे के लोग आए दिन कामयाबी के झंडे बुलंद कर रहे हैं। पंजाबी भाईचारे के लोग विदेशों में आ के सख्त मेहनत से बुलंद हौसले नाल आए दिन तरक्की की मंजिल से पहुँच रहे हैं। इटली विच पंजाबी भाईचारे के लोग बहुत ही सख्त मेहनत और लगन नाल इस नूं तरक्की की लहां वल ले जा रहे हैं। इस लड़ी के तहत इटली की राजधानी रोम के जिला लातेना के शहर अपरीलिया विखे भारतीयों नूं कागजी कार्रवाई विच आ रहीं दरपेश मुश्किलों के मद्देनज़र इंडियन पंजाबी कंस्टलेशन का बीते दिन उद्घाटन किया गया। गुरद्वारा सिंह सभा अपरीलिया के ग्रंथी वालों अरदास करके इस दफ्तर का उद्घाटन किया गया। इस मौके इस दफ्तर के एम डी दविंदर सिंह मोही ने प्रेस नाल गलबात करदिया दस्या कि इस इलाके विच वड्डी गिनती च भारतीय मूल का भाईचारा रहिंदा है अते उन्हां नूं इटली की भाषा विच कागजी कामां बारे ज़्यादा जानकारी देने दे मद्देनज़र इस दफ्तर नूं शुरू किया गया। दविंदर सिंह ने आख्या कि कई बार इटैलीयन भाषा ना आने करके साडे भाईचारे के लोग सरकार वालों दित्तियां जा रही राहत स्कीम लैण तो वांझे रह जाते हैं। जेकर साडे भाईचारे के लोग इटालीयन मूल के सलाहकारां कोल जाते हैं तो कई बार पूरी जानकारी नहीं हासिल कर पाते पर हुण उन्हां दी इह मुश्किल दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत सारे लोगों वालों विदेश जाने का सुपना देखा जाता है जिथे जाके उन्होंने कुछ राहत भी मिलती है तो कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पैंदा है। इस सुपने नूं पूरा करने लिए उन्होंने वालों कानूनी और गैर कानूनी हर तरह का राह अपनाया जाता है। इस तरह के गैर कानूनी प्रवास को लेकर ताज़ा अंकड़े अमेरिका और कैनेडा नाल जुड़े हुए सामने आए हैं। अमेरिका तो गैर कानूनी तरीके नाल कैनेडा च दाखिल होने वाले प्रवासियों की गिनती च बीते चार सालों तो लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। सरकार वालों जारी अंकड़ों के मुताबिक दसंबर च सब तो वध गैर कानूनी प्रवास कौमां ਅੰਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੋਰਡ ਚੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Well, I would say that this is something that we've indicated for months, for many months, if not perhaps years, that we know that there are many hospitals across the province of Ontario that need renovations and in some cases need new hospitals because the infrastructure is so outdated, and many need renovations as well. We've already promised that we would invest up to $30 billion in the next 10 years in order to update hospitals so that the staff can continue to provide high quality care to everyone in their community. We know that in some hospitals, there have been situations where there are pipes that burst, there's water breaking through the walls. There have been situations where the oxygen hasn't been available, the system is broken down so that they haven't been able to operate on people in a timely manner. This has to stop. We need to make sure that our world-class health professionals have great places to work so that they can provide the care that their patients expect and deserve. So there's nothing new in this. This is something that we have promised the people of Ontario for a very long time. We're making these announcements because it's time. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਫੋਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸੈਂਸਕ ਫਿਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਰੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਸੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਨੇ। 15 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1946 ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ 100 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪਿੱਛੇ
15 तो 24 साल के 200 कैनेडियन सन, पर हुण यह स्थिति पलट गई है। 2021 55 तो 64 साल के हरेक 100 कैनेडियनस पिछे 15 तो 24 साल के सिर्फ 81 कैनेडियनस दर्ज किए गए ने। एजेंसी ने आख्या कि वध उम्र के कामिया नाल कई तरह दियां चुनौतियां जुड़िया हुई ने, जिस विच ज्ञान नूं अगे वधाउणा, तजर्बेकार मुलाजमां नूं बरकरार रखना ते मुलाजमां दा नवीं भर्ती शामिल है। स्टैटिक्स कैनेडा का कहना है कि इस रुझान नूं इमीग्रेशन राही धीमा तां कीता जा सकता है, पर इमीग्रेशन विच बेहद वाधे दे बावजूद भी इस वर्तारे दे प्रभाव रोके नहीं जा सकते। 2021 दे सेंसक अनुसार जन्म दरां विच कमी अते जीवन दी संभावना विच वाधे अहम कारक रहे सी, पर कैनेडा दी बुढ़ी हुंदी आबादी विच सब तो अहम कारक बेबी बूमर्स यानी कि 1946 तो 1965 दरमियान पैदा होण वाले लोकां दी रिटायरमेंट है, जिहड़ी कि 2011 विच शुरू होई सी। इस खबर के बावजूद स्टैटिक्स कैनेडा का कहना है कि G7 देशों में US और UK तो बाद कैनेडा की आबादी सब तो जवान आबादियों में एक है, जिथे 64.8% आबादी 15 तो 64 साल के दरमियान है। जापान में यह सिर्फ 60% तो भी घट है। Canada is at a very special place right now. We could even say it's a date with demographic destiny, as the number and the share of people between age 55 and 64, who are close to retirement usually, among this population, this working age population, 15 to 64, has never been that high. Actually, 1 in 5 Canadians among the working age population is currently between age 55 and 64. Likely to exit the labor force, if not already done. There are very large implications of this situation, and it is certainly one factor explaining the current labor shortages that Canada is experiencing. स्टैटिक्स कैनेडा मुताबक सिर्फ कामकाज वाली आबादी नहीं सगों पूरी आबादी ही बुढ़ी हो रही है। 2016 तो 2021 के दरमियान 65 साल और उस तो वध उम्र के कैनेडियनस की आबादी में 18.3% वाधा होया और यह 7 मिलियन दर्ज की गई है। पिछले 75 सालों में यह सब तो वड्डा वाधा है। इस तो पहला 2011 तो 2016 के दरमियान इस उम्र वर्ग में आने वाले लोगों की गिनती 20% वाधा होया। 65 साल ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 19% ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 861,000 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਲਾ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है, रुक करदे हां अगली खबर वल। कैनेडा दे शहर ब्रैम्पटन च सड़क हादसों की लगातार गिनती च वाधा दर्ज किया जा रहा है और इस गल की पुष्टि खुद पील पुलिस ने की है। इस दे नाल ही ओंटेरियो भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन विच सुधार कर रहा है। Thank you.
कैनेडा च अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के संबंध में दुखदाई खबर सामने आ रही है। इसी के चलद कैनेडा तो एक होर मंदभागी खबर सामने आई है, जिथे अपने सुनहरे भविख की तलाश में आए पंजाबी नौजवान अर्शदीप वर्मा ने अणदसे कारणों करके खुदकुशी कर ली। कैनेडा में आए दिन पंजाबियों की मौत की खबर सामने आ रही ने, इस तरह की एक होर दुखदाई खबर सामने आई है। कैनेडा में एक होर पंजाबी नौजवान इस दुनिया को अलविदा आखी है। पटियाला जिले के घोगा कस्बे नाल संबंधित अर्शदीप वर्मा 3 साल पहला कैनेडा आया सी, जिसने अणदसे कारणों करके खुदकुशी कर ली है। ओंटेरियो सूबे सडबरी शहर में रहते हरमनप्रीत सिंह मुताबक अर्शदीप वर्मा पिछले कुछ समय तो डिपोर्टेशन का शिकार सी और बीती 23 अप्रैल नू उसने खुदकुशी कर ली। वह अपने मापिया का इकलौता पुत सी, जिसका विछोड़ा उन्होंने दुखों के समुद्र में सुट गया। फिलहाल यह पता नहीं लग सकिया कि किहड़े कारणां करके अर्शदीप वर्मा ने इन्ना वड्डा कदम उठाया है। रजिंदर सिंह वालों अर्शदीप वर्मा की देह भारत भेजण अते उसके परिवार की मदद वास्ते GoFundMe पेज स्थापित किया गया अते इस पेज उपर $20,000 जुटाने का टीचा मिथ्या गया। इत्थे यह भी दसण योग है कि वख-वख कारणां करके कई विदेशों विच पढ़न गए विद्यार्थियों के कतल अते खुदकुशियां दे मामले लगातार सामने आ रहे ने अते यह सिलसिला खत्म होण दा नाम ही नहीं लै रहा, जिस कारण भारतीय भाईचारा भी काफ़ी चिंतित है। उधर दूजी ओर सरहद पार अमेरिका के न्यूजर्सी च एक भारतीय विद्यार्थी की तालाब च डुबण कारण मौत हो गई है। मीडिया विच आईयां खबरां मुताबक कुछ बच्चों की गेंद तालाब विच चली गई सी, जिसनू कढ़न लई विद्यार्थी पानी च उतरिया सी। मूल रूप च केरल दे निरानाम दा रहण वाला हाई स्कूल दा विद्यार्थी 18 साल क्लिंटन जी अजीत न्यू मिलफोर्ड स्थित हार्ड कासल पौंड च सॉकर दी गेंद लैण लई गया तां ओह अचानक डुब गया ते 3 घंटे बाद विद्यार्थी दी लाश बरामद हुई है। एमरजेंसी सर्विस दे अधिकारियों ने दस्या कि ओह शाम नू लगभग 7 बजे इस दी सूचना मिली अते ओह तुरंत मौके ते पहुंच गए। लगभग 3 घंटे की मुशक्कत बाद क्लिंटन जी अजीत नू तालाब चो बाहर कढ़िया गया, पर उदों तक उसकी मौत हो चुकी सी। मौके ते मौजूद 10 साला सैम ने दस्या कि अजीत डूंगे पानी वल चलिया गया सी अते उसने अपने आप नू बचाउण दी बहुत कोशिश की, पर ओह बाहर ना आ सकिया। उधर मौके ते पुजे एमरजेंसी दस्ते ने भी बड़े यतन किते, पर ओह अजीत नू ना बचा सके। ब्रिटेन विच पार्लीमेंट वालों पास किए गए नवे बिल मुताबक किसी व्यक्ति नू इतलाह किते बिना ही उसकी नागरिकता खोई जा सकेगी। यह योजना जो कि ब्रिटेन के विवादित नैशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल का हिस्सा है, यह जल्दी कानून का रूप ले सकती है।
इटली दे विच जिथे सरकारां बदल गईयां बहुत सारियां गल्लां कीती गईयां पर प्रवासियां दीयां मजदूरां दीयां स्थिति असल विच हमेशा इको जिही रही है। इटली दे लातिना शहर विच भारती भाईचारे वल्लों एकजुट हो के प्रवासी भारतीयां दे हक लई विशाल मुजाहरा कीता जा रिहा है। इस रोस विखावे विच वड्डी गिणती विच प्रवासियां ने शमूलियत कीती है। इटली दे लातीना शहर च वर्क परमिट या रिहायश नाल संबंधित परमिट रिन्यू करवाउण लई खज्जल खुआर हो रहे भारतीय कामियां ने वड्डा रोस विखावा कीता है। रोस विखावे च शामिल भारतीयां च बांग्लादेशी कामियां ने भी वध चढ़ के शमूलियत कीती है। यह प्रदर्शन बस अड्डे तो शुरू होके पुराने परफेटूरा पहुंचा जिथे इंडियन कम्युनिटी इन लाजियो के आगुआ वालों प्रशासनिक अधिकारियों को मंग पत्र दिता गया। जथेबंदी के आगुआ वालों प्रवासियों अपने हकों लई एकजुटता बना के रखने का सद्दा दिता गया सी। इंडियन कम्युनिटी इन लाजियो के झंडे हेठ प्रवासी भारतीयों वालों लगातार अपने हकों लई आवाज़ बुलंद की जा रही है। यह जथेबंदी 6 साल तो भारतीय कामियां के हकों लई जूझ रही है पर सरकार बदलने के बावजूद हालात बहुते नहीं बदल सके। प्रदर्शनकारियों ने दोष लगाया कि रिहायशी परमिट रिन्यूअल च वड्डियां दिक्कतां आउंदियां हन अते सिर्फ एजेंटां ते अमीर लोकां दे घर भरे जा रहे ने। इस दे उल्ट प्रवासी भारतीयों दी मुढ़लियां जरूरतां नूं नज़रअंदाज किया जा रहा है। अपनियां हत्तों शोषण का शिकार बन रहे प्रवासियों नूं सुझा दिता गया है कि वह इटली का नागरिक बनण लई कानून की पालना हर हीले यकीनी बनाउण अते हर दस्तावेज मुकम्मल रख्या जाए ताकि भविष्य विच परेशानी तो बचिया जा सके। लगातार आसमान छू रही पेट्रोल अते डीजल दीयां कीमतां हर किसी लई चिंता दा विशा बनदियां जा रही ने। न्यूजीलैंड विच वध रहीयां तेल दीयां कीमतां ते राहत देण लई यूएस दे रिटेल दिग्गज कॉस्टको ने ऑकलैंड विच अपने स्टोर की सप्लाई ते एक पेट्रोल स्टेशन खोलिया। वैस्टगेट टाउन सेंटर विच रिटेल स्टोर अगस्त के आखिर विच खुलण वाला है पर पेट्रोल स्टेशन पहला ही खोल दिता गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड विच पहला फ्यूल सेंटर खोले जाने के नाल ही कॉस्टको ने फ्यूल ते सुपरमार्केट नूं पूरी तरह तब्दील करन दा फैसला लिया है। यूनाइटेड स्टेट दे कॉस्टको फ्यूल सेंटर ते 91 ऑक्टेन पेट्रोल दा मुल 2.50 प्रति लीटर, 95 दा 2.60 प्रति लीटर ते डीजल दा 2.10 प्रति लीटर है जो कि दूजे पंपां दे मुकाबले काफ़ी सस्ता है। इन्ना ही नहीं सगों वैस्टगेट विच कॉस्टको वालों अगस्त च 100 मिलियन डॉलर की लागत वाला अपना स्टोर भी खोलिया जाएगा। कॉस्टको NZ मैनेजिंग डायरेक्टर पैट्रिक नून ने अपनी खुशी प्रगटाउंदिया साफ कर दिता है कि वह जल्द ही लोकल सुपरमार्केट विच सब तो पहले नंबर ते होंगे। दस दिए कि कॉस्टको के पंप के स्टोरों की वरतों तो पहला मैंबरशिप लोड़ेंदे होएगी। कारोबारियों लिए यह $55 सालाना ते आम लोगों लिए $60 सालाना होगी। नज़दीकी पंपां दे मुकाबले 18 सेंट प्रति लीटर इत्थे पेट्रोल सस्ता मिलेगा। अमेरिका दे न्यूयॉर्क दे एक जज ने साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं अदालत दी मानहानि दा दोषी पाया है। ट्रंप ते दोष है कि वह न्यूयॉर्क दे अटर्नी जनरल वल्लों उहनां दे कारोबारी सौदियां दी एक जांच दे हिस्से वजों जारी एक समन नूं उचित जवाब देण विच असफल रहे ने। अमेरिका दे साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता गवाउण तों बाद वी सुर्खियां च बने होए हन। हुण न्यूयॉर्क दे अटर्नी जनरल नाल कानूनी लड़ाई विच एक जज ने साबका राष्ट्रपति ट्रंप नूं अदालत दी मानहानि दा दोषी पाया है। इस दे नाल ही उहनां ते भारी जुर्माना भी लगाया गया। ट्रंप ते दोष है कि उह अपने कारोबारी सौदियां दी जांच दे हिस्से वजों न्यूयॉर्क दे अटर्नी जनरल द्वारा जारी समन दा उचित जवाब देण विच असफल रिहा है। जज ऑर्थर ओंगरॉन ने ट्रंप नूं प्रतिदिन $10,000 यानी करीब 7.6 लाख रुपए दा जुर्माना अदा करन दा हुक्म दिता है। ट्रंप दे खिलाफ चल रहे मामले दी जांच तो पता चलिया है कि उहनां दी संस्था ने डेटा नाल छेड़छाड़ कीती है अते टैक्स कटाउण लई कई रियल एस्टेट सौदियां विच लोन कवरेज नूं टालण लई काम कीता है। अदालत दे फैसले नूं डेमोक्रेटिक अटर्नी जेम्स दी जित वजों देखिया जा रहा है। जेम्स ने ट्रंप ते कई महीनों तो बकाया समना नूं नज़रअंदाज करन दा भी दोष लगाया है। एंगरॉन ने मैनहैटन कोर्टरूम विच बेंच वल्लों फैसला सुनवाउण तो पहला किया कि श्रीमान ट्रंप, मैं जानदा हाँ कि तुसी अपने कारोबार नूं गंभीरता नाल लैंदे हो अते मैं अपने काम नूं गंभीरता नाल लैंना। दरअसल ट्रंप समय सिर अदालत विच ओह दस्तावेज पेश नहीं कर सके जिन्हां लई मार्च दी समा सीमा तय कीती गई सी। हुण अदालत दे हुक्मां दी पालणा होण तक उहनां नूं इह जुर्माना अदा करना होवेगा। हालांकि ट्रंप दे वकील ने कहा है कि ओह फैसले दे खिलाफ अपील करेगी। एक ताज़ा रिपोर्ट विच सामने आया है कि ईंधन की सप्लाई संबंधित ऑस्ट्रेलिया कोल हुण गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या है। रिपोर्ट विच खुलासा होया है कि अंतरराष्ट्रीय संकट की स्थिति विच देश कोल सिर्फ 68 दिनां दे तेल दिया भंडार बाकी है।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਰਿਚੀ ਮੌਜ਼ੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 91% ਫਿਊਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 3/4 ਤਰਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 2 ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦਾ 33% ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 68 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ 32 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੌਕ ਕੀਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਊਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ 2019 ਦੀ ਫਿਊਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਠਜੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦਫਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਿਊਲ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ OECD ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲ ਫਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਰੀਬ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਸਕ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਮਸਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ $54.20 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $43.46 ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਔਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟਾਊਨ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲੋਚਨਾ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।
कंपनी दे सब तो हाई प्रोफाइल कदमां विचों एक उस ई जदों इसने पिछले साल हिंसा भड़काउण दे जोखम दा हवाला दिंदे होए साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ते पाबंदी लगा दित्ती सी, जदकि शायद ट्रंप इस दे सब तो ताकतवर उपभोक्तावां विचों एक सन। अज दे इस बुलेटिन च बस इन्ना ही, नवीं ते ताज़ा खबरां लैके फिर तो हाजिर होवांगे। हुण मैनूं यानी दुपिंदर कौर नूं दिओ इजाज़त, धन्नवाद।